नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। ये जो कहानी है वो एक राजा की है। ये जो राजा है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छे से अपना राज्य कर रहा है। हर एक इंसान की तकलीफ़ को वगैरह जानने के लिए वो खुद कभी कभी भेष बदल कर राज्य में घूमता है, और कभी कभी जो छोटे से छोटे लोगों की प्रॉब्लम्स है वो जानने के लिए वो ऐसा करता है। और बहुत लोगों की उसको आशीर्वाद है और बहुत ही अच्छे से अपना राज्य कर रहा है। उस राजा के पास सब कुछ है दोस्तों, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, और वो है उसकी संतान। तो इस वजह से तो वो थोड़ा सा परेशान रहता था, और बहुत लोगों ने उसको सुझाव भी दिए कि आप चिंता ना करें, आप कोई अच्छा बच्चा वगैरह गोद लेना जिससे राजा को एक अगला राजा मिल जाए इस राज्य को। और राजा को भी वो बात ठीक लगी। राजा ने इसलिए एक प्रतियोगिता रखी इसके लिए, और कहा कि जो 3-4 परीक्षाएं उन बच्चों की ली गई, तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे आए थे, और उनकी शौर्य की परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा वगैरह सब कुछ उसका लिया, और उसमें एक बच्चा अव्वल स्थान पर आया, और वो राजा को भी पसंद आया लड़का। लेकिन कुछ ऐसे मंत्री वगैरह होते हैं देखो, कि उनके थोड़े से जलन होने लगी कि इन्होंने मतलब ऐसे गरीब के बेटे को वगैरह, कि वो बहुत ही गरीब था बेचारा बच्चा, उसको क्यों लिया वगैरह। लेकिन राजा को इन सारी चीज़ों की फिक्र नहीं थी। राजा ने उस बेटे को बहुत प्यार दिया। तकरीबन वो 2 साल हो गए अब उसको गोद ले के बाद, और सारे फिर भी मंत्री वगैरह, वो ठीक ठाक अच्छा बच्चा है, लेकिन फिर भी लोग उससे जलने वाले हैं। और ऐसे भी लोग थे जो राजा के कान भरते थे, उसको कुछ कुछ बुरा खामखा उस लड़के के बारे में कहते थे, लेकिन राजा ने जितना हो सका उतना उसके लिए किया। एक दिन क्या हुआ कि राजा और वो बेटा शिकार के लिए जंगल पर चले गए, और उनके ये भी थे साथी वगैरह भी थे, सेनापति वगैरह, लेकिन ये थोड़ा सा रास्ता भटक गए और ये दोनों ही वहाँ पर अंदर जंगल के अंदर चले गए। जंगल के अंदर चले जाने के बाद दोस्तों, वहाँ पर रास्ता भटकने के बाद उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो घूम रहे पसीने से लथपथ, और कुछ भी ठीक से नहीं, रास्ता उनको समझ नहीं आ रहा था। ऐसे वक्त में दोस्तों क्या हुआ कि दोनों को भूख लगी थी बहुत ज़ोरों की, और वो बच्चा भी इतना बड़ा नहीं था, वो अपने हिसाब से कुछ कर रहा है। तो वहाँ पर राजा को एक अनोखा फल दिखा एक पेड़ पर। तो राजा ने कहा कि चलो फल निकालते हैं और हम दोनों खाते हैं, ताकि थोड़ी सी तो भूख कम हो जाए। तो उस लड़के ने कहा ठीक है पिताजी, और राजा ने वो फल को निकाला। बहुत ही बड़ा फल था वो, और तकरीबन उसके 6 हिस्से राजा ने बनाए, और एक एक हिस्से काट रहे राजा। तो जैसे वो छोटा बेटा ही है, तो राजा ने उसको एक एक हिस्सा उसका दिया, तो वो खा रहे। उसने पहला खाया हिस्सा, 6 हिस्से थे, तो राजा को लगा कि वो 3 खाएगा और मैं 3 खाऊंगा। तो पहला हिस्सा उसने खाया, दूसरा हिस्सा खाया, तीसरा हिस्सा खाया। अब राजा को लगा कि ये नहीं खाएगा, लेकिन उस लड़के ने फिर से एक मांग के लिया हिस्सा। अब वो छोटा है, तो राजा को भी लगा कि हाँ चलो ठीक है, बेचारा छोटा ही है, तो हम छोटे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ही देते, तो उसको भी लगा कि ठीक है चलो। तो वो उस बेटे को दिया, चलो 4 अभी हिस्से उसने खाए, अभी सिर्फ 2 हिस्से बचे हैं उस फल के। तो राजा ने 2 हिस्से राजा पर जब मुँह में डालने गए, तब उस बेटे ने और भी एक हिस्सा मांगा। और वो क्या करता था कि हम आराम से खाते हैं, तो फटक फटक से वो खाने लगा वो फल, उसको बहुत ही भूख लगी थी शायद। तो राजा उसके मुंह में देखते रह गया, और ये 5वां जो हिस्सा था वो भी उस लड़के ने मांग लिया। अब क्या हुआ दोस्तों, अब राजा के मन में थोड़ा सा आने लगा कि जैसे मंत्री या फिर मेरे जो करीबी लोग हैं जो इसके बारे में बुरा भला कहते हैं, तो शायद वो बुरा ही है। इसको ज़रा भी, हम कहते हैं ना कि इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, कि मैंने इसको इतना प्यार किया या फिर इतना ये किया, हम दोनों यहाँ पर जंगल में भूखे हैं, लेकिन फिर भी इसको खाने की पड़ी है। 3 हिस्से मैं खाने वाला था और 3 हिस्से ये खाने वाला था, लेकिन अब तो मतलब आधे से ज़्यादा इसने खाया, और फिर भी इसका मतलब समाधान नहीं हो रहा, वो बार बार मांग के खा रहा है। तो 5वां जो हिस्सा था वो भी राजा ने सोच लिया कि जाने दो, चलो मैं एक हिस्सा खा लेता हूँ, इसको खाने दो। तो राजा के मन में आया ही कि मैं अभी फिर से जाऊँगा और वहाँ पर लोगों से कहूँगा कि मुझे सोचना पड़ेगा फिर से इसको गोद लेते समय, या फिर मैं किसी और बच्चे को गोद लूँगा जो सच में जिसको इंसानियत होगी। तो दोस्तों क्या हुआ कि 5वां हिस्सा राजा ने, थोड़ा सा उसके मन में नहीं था और उसको बुरा लग रहा था, भूख की उसको ये कदर नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि ये लड़का ऐसे कैसे कर रहा है। तो उसने एक हिस्सा, 2 उससे बचे थे बेचारे राजा के पास, तो उसमें से एक भी उसको दे दिया। उस लड़के ने वो एक हिस्सा भी फटाफट खा लिया, और कहा कि पिताजी मुझे वो 6ठा हिस्सा भी चाहिए। मतलब पूरा फल ही उस लड़के को खाना था अकेले, और राजा उसके मुंह में देख रहा है और कह रहा है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा समझता था,
लेकिन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपने पिताजी के साथ? तुम्हें इंसानियत की ज़रा भी कदर नहीं है, इंसानियत की ज़रा भी फिक्र नहीं है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जंगल में घूम रहा हूँ और मेरी उम्र भी अब बढ़ गई है और तुम्हें उल्टा मुझे खाना देना चाहिए तो मैं ही तुम्हारे लिए यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, तुम्हें ज़रा भी फिक्र नहीं होती? तो उस लड़के ने कहा कि इसका जो जवाब है वो मैं आपको नहीं दे सकता पिताजी, मुझे वो आप फल देना, एक बचा है वो। तो राजा ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें नहीं मानूंगा, ये मेरे पेट का सवाल है और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं नहीं करूंगा। और मैंने तो अभी ये भी फैसला किया है कि मैं तुम्हें अगला राजा भी नहीं बनाऊंगा, मैं किसी और बच्चे को गोद लूंगा और उसको उसमें अगर वो अच्छी खूबियाँ होंगी तो मैं उसको राजा बनाऊँगा, मैं तुम्हें नहीं बनाऊँगा। ये बातें सुनकर भी वो जो लड़का था वो कह रहा था कि नहीं, वो जो आखिरी का हिस्सा है फल का वो आप मुझे देना। फिर भी राजा ने नहीं सुना और राजा को लगा कि इस तरह से ये लोग मतलब मानेगा नहीं, तो उसने राजा ने डायरेक्ट वो फल का हिस्सा लिया और अपने मुंह में डाला। जब मुंह में डाला तब उसका उनका मुंह ही कड़वा हो गया, मतलब वो जो फल था बहुत ही कड़वा था और वो खाने के लायक ही नहीं था दोस्तों। और उस राजा को खाने ही नहीं हुआ और मुँह से उन्होंने निकाल कर फेंक दिया और उन्होंने उस बेटे पर, उस लड़के पर देख कर कहा कि तुमने ये कड़वा फल क्यों खाया बेटा? तो उस बेटे ने कहा कि आपने मेरी ज़िंदगी सवारी है, मेरी ज़िंदगी पहले बहुत ही बुरी तरह से बीत रही थी लेकिन आपने जब से मुझे संभाला है तो मैंने बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपने हिसाब से मैंने आपसे सारे गुण सीखे हैं और ये आप ही का गुण है पिताजी कि हमेशा दूसरों का जो दुख है या फिर दूसरों का जो दर्द है हमें खुद पर लेना चाहिए, ना कि हमेशा दूसरों पर उसको डाल देना चाहिए। इसलिए जितना मैं आपके लिए कर सकता था इसलिए मैंने वो फल ज़्यादा से ज़्यादा खाया ताकि आपको ज़रा भी कड़वाहट ना लगे। तो तब राजा को लगा कि उसका जो फैसला था वो पूरी तरह से सच था और उसने उसको अगला राजा बनाया। देखो दोस्तों, कभी कभी हमारे में जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनको खामखा हम गलत समझने लगते हैं या फिर कुछ, कभी कभी आज भी मैं देखता हूँ कि मैंने उसको मैसेज किया और उसने जवाब नहीं दिया तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, हम उससे बात नहीं करते। दोस्तों ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसकी कुछ अपनी मजबूरियाँ होगी या फिर अपने कुछ उसकी प्रॉब्लम्स होगी, उसको देखना चाहिए। दूसरे ने अगर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताई फिर भी हमें समझने की एक कहते हैं ना कि काबिलियत होनी चाहिए या फिर वो बुद्धि होनी चाहिए या फिर वो भावना हमारे मन में होनी चाहिए। खामखा हमें कुछ भी नहीं पता किसी के बारे में और उसके बारे में हम बुरा भला कहने जाते हैं तो ये गलत है दोस्तों। पहले उस इंसान के बारे में पूरी तरह से जानकारी निकालनी चाहिए कि वो कैसा है। हमारे अपने भी कभी कभी हमारे माता पिता कितने हमारे लिए कितना करते हैं लेकिन कुछ उन्होंने थोड़ा डांट दिया या फिर कहा कि नहीं तुम वहाँ पर नहीं जाओगे तो हमें गुस्सा आता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके पीछे की वजह देखनी चाहिए कि वो लोग क्यों कह रहे हैं। तो यही कहानी सीख देती है दोस्तों, ये कहानी सीख देती है दोस्तों। तो इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं, आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े, इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।